चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से ही खबर, जहां उत्तराखंड में मौसम विभाग का पूर्वानुमान पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने की संभावना जताई। आज और कल बारिश और बर्फबारी की संभावना है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है, तो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, सोनू से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है और इस पूर्वानुमान के तहत जो है वो प्रदेश के लगभग लगभग सभी जनपदों में मौसम का मिजाज बदलेगा और बदलते मौसम के मिजाज से तापमान में भी बदलाव देखा जाएगा। जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, खास तौर पर जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी की संभावना जताई गई है। और जो मैदानी क्षेत्र हैं और जो मध्यम ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश और बर्फबारी की जो उम्मीद है वो जताई है। ऐसे में जब उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलेगा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते, तो निश्चित तौर पर तापमान में बदलाव देखा जाएगा और खास तौर पर जब कड़ाके की ठंड है वो देखने को मिलेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार इस वक्त भी न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है और जो मैदानी क्षेत्र है, कुछ ऐसे इलाके हैं उत्तराखंड के जो मैदानी क्षेत्र है जहां पर कोहरा देखा जा रहा है, जबकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर मौसम शुष्क बना हुआ है। तो दो दिनों तक मौसम का मिजाज बदलेगा और बदले मौसम का मिजाज का असर जो है वो कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पास के जो राज्य हैं इन पर भी देखने को मिलेगा। मौसम का मिजाज बदलेगा सोनू, बर्फबारी होगी, बारिश होगी और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कोरोना के मामले भी सामने आ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। वायरल हो रहा है, लोगों को सर्दी जुकाम हो रहा है, तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है उत्तराखंड में? अब देखिए, जब मौसम का मिजाज बदलता है तो जो मौसमी बीमारी है वो होती है और ऐसे में जो मरीज है, जो रोगी है, उनकी संख्या बढ़ जाती है और सामान्य जांच पड़ताल का दायरा भी विभागीय अधिकारी को बढ़ाना पड़ता है। और ऐसे में जब कोरोना के नए वेरिएंट, कोविड के नए वेरिएंट की बात सामने आ रही है और केरल में कई केस भी सामने आए और दिल्ली में भी कई मामले सामने आए, तो उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य विभाग जो है बदलते मौसम के साथ साथ कोरोना और कोविड को लेकर के अलर्ट और सतर्क हो गया है। जो सामान्य एडवाइजरी है वो जारी कर दी गई है, विभागीय अधिकारी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए। खास तौर पर अस्पतालों में क्योंकि पहले भी कई बार मॉकड्रिल हो चुके हैं और लगातार केंद्र से भी संपर्क किया जा रहा है कि अगर उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए राज्य सरकार केंद्र से सहयोग लेगी। जबकि राज्य स्तर के अगर चिकित्सालयों की हम बात करें तो स्वास्थ्य सचिव ने एडवाइजरी जारी की है और सभी चिकित्सालयों में बदले मौसम के लिहाज से, नए वेरिएंट के लिहाज से व्यवस्थाओं को बेहतर करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं और अधिकारियों को अलर्ट और मुस्तैद रहने को कहा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनू, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।